नैनीताल से हाई कोर्ट को स्थानांतरित करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका पर जस्टिस नरसिम्हन और जस्टिस करोल की पीठ ने यह आदेश दिया है, जिसे लेकर अधिवक्ताओं में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने उच्च न्यायालय के नैनीताल से बाहर प्रस्तावित स्थानांतरण के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी। उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन इस अदालत को नैनीताल से बाहर स्थानांतरित करने के कदम का विरोध कर रहा है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। राज्य की जो दो मेन कैपिटल होते हैं, एक जो होती है राजनीतिक कैपिटल है, एक जुडिशियल कैपिटल है। राजनीतिक कैपिटल अगर देहरादून में दी गई है तो जुडिशियल कैपिटल जो है निश्चित रूप से कुमाऊं क्षेत्र में होनी चाहिए। हल्द्वानी सबसे उपयुक्त प्लेस इसलिए है या नैनीताल जिला इसलिए है, प्रदेश के हर जगह से जो है तो सेंटर पॉइंट है और सभी सुविधाओं से युक्त है। इसलिए नैनीताल जिले में ही कहीं पर अन्यत्र हल्द्वानी क्षेत्र में अगर इसको शिफ्ट किया जाता है तो मैं एक राज्य के नागरिक के तौर पर भी इसकी मांग करता हूँ। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को और दे दूँ। मैं बार काउंसिल का मेम्बर हूँ उत्तराखंड का। बार काउंसिल ने सर्वसम्मति से उत्तराखंड नैनीताल जिले में ही अन्यत्र हल्द्वानी क्षेत्र में हाईकोर्ट शिफ्ट करने का प्रस्ताव पहले ही माननीय उच्च न्यायालय ने, हमारे उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 8 तारीख को एक आदेश पारित किया। उस आदेश में आपने देखा होगा कि पब्लिक रेफरेंडम का एक शब्द जहां पर लिखा था, तो उसको मैंने एक चुनौती दी और कल हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस आदेश को, इस मैटर को सुना। और मैटर सुनने के बाद उन्हें जब देखा तो उन्हें लगा कि मैटर में स्टे होना चाहिए, तो स्टे भी हमें प्राप्त हुआ है। और अभी अगली सुनवाई आपकी जुलाई में है, तो अब मैटर तो जब सब जुडिस अगर कोर्ट में हो जाता है तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है, जैसे कि आप सभी लोग को पता है, आप भी काफ़ी कवरेज देते हैं। तो अब बाकी हमें पूरा विश्वास है उच्चतम न्यायालय बहुत अच्छा डिसीजन इसमें देगी। तो जो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन 8 तारीख के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी, उस पर स्थगन आदेश हमें मिल गया है। उस पर आगे जो भी सुनवाई होगी, और मुख्य विषय तो यही है कि भाई उत्तराखंड एक छोटे से राज्य में दो बेंच नहीं होनी चाहिए, हमारा मुख्य मानना यही है। तो एक बेंच जो प्रधान पीठ नैनीताल में है और उसको नैनीताल जिले में ही कहीं पर रहना चाहिए।